आपको सलाम भी तमीज से करना नहीं आता। अच्छा तो मैं नीचे आया हूँ तो मुझे पता लगा रिश्तेदारों के घर रफ्तारी है आज। यार तेरे शर्म नहीं आई क्लीन शेव कराने? भाई याद हो गए बाल। राम तो घर से कैन का ढक्कन उठा दियो। तोर तोर ना साले। जी अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक to another vlog. यार कल ना एक बड़ी ही प्यारी बहन ने ना मुझे कमेंट में कहा कि आपको सलाम भी तमीज से करना नहीं आता। तो बहन आज के बाद हम सलाम तमीज से करेंगे। और भी कुछ कहा है पर उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। मैं फिर से पूछूंगा मेरी फैमिली कैसी है? ठीक है, खुश है, राजी बाजी है, कोई मसला मसाइल? तो आज मौसम बड़ा प्यारा है, ठीक है, और रोज़ा इंतहा से ज़्यादा लग रहा है। मौसम मेरे जैसा हसीनो जमील हुआ बड़ा आज। चल झूठा पर हूँ नहीं फिर भी। तकरीबन कोई उठा हूँ, कोई 4 बजे उठा हूँ मैं। 4 बजे उठने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैं ऊपर आ गया। मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, पर आज कुछ है तो नहीं करने को। फिर भी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अब चलते हैं नीचे, माँ जी से पूछते हैं क्या करें यार आज व्लॉग में। कुछ भी नहीं है करने को, कल खिदमतें हो गई हैं, ठीक है, आज कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं नीचे फिर देखते हैं। अच्छा तो मैं नीचे आया हूँ तो मुझे पता लगा रिश्तेदारों के घर रफ्तारी है आज। आपको क्या हो रहा है? और मम्मा हमारे साथ नहीं जा रही। मम्मा कहती तुम लोग चल जाओ, मैंने नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब। मम्मा की 2 दिन बाद तबीयत खराब हो जाती है, पर आई डोंट नो क्या हो रहा है क्या नहीं, मेडिसिन भी असर नहीं करती। अब चलते हैं, मैं अपने शूज़ वगैरह पहन लूँ। शावर तो पहले लिया हुआ, ठीक है, और क्या कहते हैं सिर्फ बूट वगैरह पहनने हैं। तैयार शहर हम पहले ही हुए हैं, तैयार शहर हम पहले ही रहते हैं। तो अब चलते हैं तो जाके मिलवाता हूँ सबको, रिश्तेदारों से मुराद नानी की तरफ मिलवाता हूँ। तो सारों से जाके दिखाता भी हूँ क्या क्या चीज़ें बनाई हैं उन्होंने, क्या क्या नहीं, आई डोंट नो, देखते हैं फिर जाके। चलो जी अफ्तारी से कोई तकरीबन और तकरीबन कितने मिनट पड़े हैं? 50 हुए हैं, 30 मिनट पड़े हैं, 20 मिनट पहले पहुँच गए हैं। और ये है जी उधर अफ्तारी का सेटअप। अफ्तारी नहीं थी, हकीका था, मुझे गलत लगा था। यार तेरे शर्म नहीं आई क्लीन शेव कराने? नहीं भाई याद हो गए बाल थोड़े आए यार, ज्यादा आ जाएंगे। अफ्तारी जी मेन्यू बाबे दे फ्रिस्पी में हैं, बाबे दे फ्रिस्पी वजन लगी। अच्छा ओनू छड़ बाबे नु, अफ्तारी दा मेन्यू दस भाई। बीफ है, अच्छा, कस्टर्ड है, चिप्स हैं, समोसे हैं, और बीफ कोरमा जा आपको बताया, बोतलें हैं साथ, नान होंगे रोगनी बस। ओके तो यानी चस आने वाली आज अफ्तारी में? रूह अफजा वगैरह नहीं है? नहीं भाई वही पेंडू वाली गल, रूह अफजा बोतल। यस बोतल हैगी? हाँ जी हाँ। फिर ठीक है फिर आइयो, फिर जाके उठे बह जाने हैं, वरना कुर्सियाँ साड़ियाँ मलियाँ जानियाँ। यार व्लॉग में उस इसलिए उधर शूट नहीं किया क्योंकि उधर खवातीनों हजरात बैठी हैं, फिर वो माइंड कर जाती हैं। हाँ जी भाई क्या नाम है? दस दिए दस दे यार मशहूर हो जाएगा यार असन डोगर व्लॉग्स। अच्छा हाँ आप जाके सब्सक्राइब करते हैं जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। टाइम नहीं गुजर रहा था, मैं कहा यार मुझे भी खिला लो। ए फ्रिस्पी आया तू भी? अच्छा मैं तेनू शक्लो बच्चा लगता। हाँ गजब बेइज्जती है। अच्छा मैं तेनू बुलाया जरा तू आहो कर रहे एवं जिन्हें कैश फड़े उन्होंने आईफोन। ये बच्चों के साथ खेल रहा है सर, उनकी फ्रिस्पी घुमा रही नहीं मिल गई। आईफोन है ही नहीं है। ये उनकी फ्रिस्पी फेंक दी इसने दरख्त के अंदर, अब बच्चे इसको गालियां निकालेंगे। ये बाद में बगैरतियां कर रहे हैं। ये देखें ये बच्चों की इसने फ्रिस्पी घुमा दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? यार मारी फ्रिस्पी घुमा दी है।
कोई नहीं अमीर आदमी, इसे लो आप 300 रुपए लो इसका। चलो आ जाओ बेटे, नहीं निकलनी। चलो आ गई हसन का 300 बच गया। बाहर हमें जगह नहीं मिली, आवाम बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर हमने सालन अंदर मंगवा लिया। अब खाते हैं इसको और बताता हूँ टेस्ट कैसा है इसका। बड़ा खोल मुँह डगी भाई वाला, वैसे ही करना। तुम भी होरा हाथ रखो। मजेदार बुकी मुझे नहीं, नहीं पहले ही मजेदार करके ऐसा है ना मुझे। खा खा ले और मरे नाक साफ कर रहे हैं गंदे खड़े ने काम कर यार। पेशेंट फुल मुकम्मल सुकचर फुल हो गया, तो बस पैन बाजा हो रहा है और बाहर मैंने बनाया नहीं है इस वजह से। तो खाना वगैरह खा लिया, अब थोड़ी देर तक घर चलते हैं, माँ भी घर अकेली है। ओ की हाल चाल है, ठीक हो? नहीं मैंने आज वैसे ही खाया जैसे उस लड़की ने मुझे कमेंट किया। तमीज के साथ मैंने खाया। नहीं खाना जैसे मर्जी का, खाने के अंदर तो उन लोगों कॉम्प्रोमाइज। अम्मा खाना खाना इंसान जैसे खाता है वैसे ही खाना चाहिए ना। पर दफा ना मेरे पास जय इज्जत है। मैं एक तो मैंने हाल चाल पूछा, अगर मुझे ये कहा जा रहा है दफा हो जाएगी आज। ठीक है यार मैं जा रहा हूँ। ओके माँ जी ने तो कमरे से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया कि दफा वगैरह हो जाओ, इधर से चले जाओ। ठीक है उनकी ना तबीयत खराब, उनकी तबीयत खराब है, हर दो दिन बाद तबीयत खराब हो जाती है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आप सब भी दुआ करें। और दूसरा ये कि मुझे इसी चीज़ का पता था कि सिर्फ अफ्तारी है, ठीक है कि हमारा हम सब भी होंगे सिर्फ और कोई भी नहीं। जब मैं उतर गया तो बाद में पता चला हकीका है, सारे बच्चों का हकीका था, वो मैं दिखा नहीं सका जो पूरे का पूरा जो फंक्शन होता है, क्योंकि यार उधर लेडीज़ भी थी, सारा कुछ था। अब हर कोई ओपन माइंडेड थोड़ी है, फिर अभी बोलेंगे। मैंने इसलिए उधर कैमरा ऑन नहीं किया, जितना हो सकता था मैंने दिखा दिया। और दूसरा आज मैं व्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैक पूरी की पूरी टूटी पड़ी है। ठीक है मैंने मेरे ख्याल से पिछले व्लॉग के अंदर बताया भी था मेरे का फ़ोन टूट गया, तो कल इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम इसको ठीक करवाएंगे। तो आज का इधर ही मैं कर रहा हूँ व्लॉग एंड, क्योंकि जब भी मैं पीछे से हल्का सा भी पकड़ रहा हूँ ना, पीछे से चूरा चूर हुई जा रहा है, नुकसान पे नुकसान, क्या कहें हम यार। तो आज क्या करते हैं इधर ही व्लॉग एंड, व्लॉग ऐसा लगे हो फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हर जगह टली भी जा दो। तो मिलते हैं जी अगले व्लॉग के अंदर, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।